देखिए, जैसे जो एक नॉन इशू को इशू बनाकर अजा लाउड स्पीकर का जो ये राम सेने का जो एक भगवादारी क्रिमिनल है, जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की हरकत जो किया है, ये बेवकूफ़ को मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि इशू जो है लाउड स्पीकर और साउंड वैल्यूम का जो ये इशू है, ये कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल या इसको बोलिए ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे हंगामा किया जाए। ये एक सिंपल सा एक सोशल इशू है, जो कि साउंड पोल्यूशन की बात हो सकती है कि कोई वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम करने की बात होनी चाहिए, ये बात के ऊपर हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से भगवादारी क्रिमिनल सिगलिंग स्वामी जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से खुद उसकी जो हिस्ट्री है, इज ए हिस्ट्री शीटर, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन सोशल लाइफ। उसको तो एक कड़ी पार करना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इसके कोई पहली बार नहीं है, या हेट मॉन्गरिंग या हेट स्पीचेस इसके पहली बार नहीं है। काफ़ी पहले भी जो है आंदोला में इसने इस तरीके की हरकत करी थी, जब उस वक्त हमारे एक CPM के सीनियर लीडर और हम लोगों ने जो एक मूवमेंट किया था, तो ये जब भाग गया था, ये भगोड़ा स्वामी जो है ना, फिर से जो हरकत करने का, ये कमनल टेंशन पैदा करने की जो हरकत किया है, इसको मालूम होना चाहिए कि वही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग द साउंड के ऊपर, कि कितना साउंड कितने डेसिबल होना चाहिए, और टाइमिंग के साथ है, फ्रॉम 6 AM टू 10 PM के टाइमिंग्स हैं सारे, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। इसमें कोई इसकी बात करने की या कोई ऐसा हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को एक साउंड इशू को या सोशल इशू को जो है एक पॉलिटिकल रंग दे के, रिलीजियस रंग दे के, कम्युनल हेट्रेड फैलाने की हरकत जो करने की चीज़ चल रही है, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत सारे चीज़ों का एक इशू है इसमें। अब देखिए कि भाई उसके स्पीचेस में जो है ना, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उसका जो स्टेटमेंट है ये हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, इसके ऊपर इमीडिएट पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निजेबल एक्ट लेते हुए, बिना कोई FIR का या कंप्लेंट का इंतजार करे उस पर एक्शन लेते हुए उसको अरेस्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जो जानबूझ के बोलिए या जैसे भी हो, यहाँ पे माहौल ख़राब करने के तरफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के चले हैं, उनको रोकने में नाकाम रहा है। और जो दूसरी चीज़ है, जिस तरीके से ये इश्यूज़ हो रहा है, मैं यहाँ पे अब एक पॉलिटिकल साइड से जब देखा जाए कि कांग्रेस बीइंग एन मेन अपोजिशन पार्टी, वो जिस तरीके से उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे खामोश हैं, ये इनकी खामोशी नहीं बल्कि कुछ मामलात में जब खामोश रहते हैं तो ये कहा जाता है कि खामोशी नहीं है बल्कि वो क्रिमिनल्स का साथ देना है। और जहाँ तक आंदोला स्वामी की बात है, ये जेवरगी का बेल्ट का जो आता है, जेवरगी से जो MLA हैं कांग्रेस के, अजय सिंह, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पिछले 7-8 ईयर्स से जो ये क्रिमिनल सिद्धलिंगा स्वामी के जो एक्टिविटीज़ चले हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बोलिए या कम्युनल एक्टिविज्म जो इसका जो चला हुआ है, हेट मॉन्गरिंग जो चला हुआ है, हेट स्पीचेस जो चला हुआ है, इसके खिलाफ़ आज तक कभी अजय सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको। इसके खिलाफ़ कोई कांग्रेस MLA चितापुर के बोलिए या अफजलपुर के बोलिए या खुद गुलबर्गा के बोलिए या और इनके जो MLA कैंडिडेट्स हैं, जैसे अलम प्रभु पाटिल बोलिए या BR पाटिल बोलिए या शरण प्रकाश पाटिल बोलिए, मैं नाम ले लेके बता रहा हूँ, ये कोई कांग्रेस लीडर्स आज तक इसको अपोज करने या इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के ऊपर नहीं उतरे हैं। अगर ये लोग सेकुलरिज्म, कांग्रेस अगर हकीकत में सेकुलर होती, तो आज सबसे पहले वो लोग उतर कर एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट देकर उस नालायक स्वामी को अरेस्ट करवाते, लेकिन ये हरकत इन्होंने नहीं की, ना ये काम किया। ये इनका स्यूडो सेकुलरिज्म जो है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को सबसे बड़ा खतरा जितना BJP से है, उतना ही बड़ा खतरा ये कांग्रेस से भी है। क्योंकि गुलबर्गा के मामले में जब हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली ये क्रिमिनल सिद्धलिंगा स्वामी जो हेट मॉन्गरिंग कर, हेट स्पीचेस देकर, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करके इंस्टिगेट करने की जो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसके खिलाफ आज तक कांग्रेस को एक स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी है, ना कोई एक ऐसा एक्शन लिख के उसको यहाँ पे रोका जाए या उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाए, ये कुछ नहीं किया गया। और जहाँ तक उसके जो चैलेंजेस की बात है, आवाम बाखूबी जानती है उसके नालायक चैलेंजेस को कैसे जवाब देना, वो जब आएगा मैदान में तो उसका जिस तरीके से इसको जवाब देना है, उस हर तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा।